कैद हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो किस तरीके से अपने आप को फिट रखें? देखिए, ये जो अभी लॉकडाउन की स्थिति है, इसमें बहुत सारी चीजों पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। बहुत बारीक बारीक डिटेल्स भी, जैसे एफएम पे आज मैं सुन रहा था कि एक एडवर्टीजमेंट, एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि आप हाथ बहुत ज्यादा बार धो रहे होंगे तो कृपया पानी को भी सेव करें। उसी तरीके से बॉडी के लिए इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि विटामिन सी वगैरह, बहुत सारी एडवाइसेस आ रही हैं। सिमिलरली हम क्या कर रहे हैं, हमें आने वाले खतरों के बारे में, आने वाली समस्याओं के बारे में भी अभी से सोचना होगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमें लगता है, ये होम बेस्ड ऑफिस वर्कर्स जो हैं उनके साथ एक प्रॉब्लम आ रही है। उसके अलावा जो लोग काम कर रहे थे पहले अपने ऑफिस जाया करते थे, रेगुलर मूवमेंट्स होते थे, अपने ऑफिस में जिम जाते थे, अपने घरों पे जिम यूज करा करते थे, आज की तारीख में क्या हो गया कि वो अपने घर में कन्फाइंड है, अपनी सोसाइटी के, अपने क्लब का जिम भी यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो फिटनेस जो है वो डेफिनेटली बहुत हैम्पर होने वाली है इस सब में। दूसरा ऑस्टियोपैथिक कॉन्सेप्ट ये है कि वी सी द बॉडी एज अ होल। हम देखते हैं कि पूरी बॉडी में कहीं भी अगर कोई ओवर यूज या कोई अब्यूज हम किसी भी पार्ट का कर रहे हैं, किसी भी स्पाइन के सेगमेंट का या लेग्स का, लिम्स का, तो उसका इफेक्ट पूरे शरीर पर आता है। तो ये तो सबसे सही ज्यादा जरूरी है जी। और अगर हम ये तो बात करें वर्क, जो लोग वर्क कर रहे हैं उनकी, इसके अलावा क्या हो रहा है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भी अब ज्यादा टाइम व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे स्पेंड कर रहे हैं, और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते क्योंकि उनके पास एंटरटेनमेंट का और कोई साधन भी नहीं है। तो जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं घरों में, वो भी इस समय टीवी देखकर सब बोर हो गए हैं, तो वो अपने सोशल मीडिया नेटवर्क के पर ही एक्टिव हैं। और फोन के बिल्कुल साथ क्या होता है कि हम किसी भी पोस्चर में उसको ऐसे करके कैसे भी यूज करते हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय कि हम अपने बॉडी का, जो हमारा मेन सबसे इम्पोर्टेंट और अच्छी मशीनरी हमें भगवान ने दी है, उस मशीनरी के रख रखाव में इस समय को लगाएं। और ये जो टाइम है हमें इस लाइफस्टाइल बनाने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। मयंक जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जैसे बहुत सारे लोगों को आदत नहीं थी घर से काम करने की, ये कॉन्सेप्ट बड़ी तेजी से आया कि भाई वर्क फ्रॉम होम वर्क फ्रॉम होम, लेकिन घर का एक माहौल होता है, घर के अंदर बहुत सारे लोगों के पास टेबल नहीं होती है, बहुत सारे लोगों के पास कोई कहीं बैठ के काम कर रहा है, कोई सोफे पे, कोई लेट करके, बहुत सारी चीजें चल रही हैं इस समय पे। व्हाट इज द बेसिक बॉडी पोस्चर, और क्या उनको एहतियात बरतना चाहिए कि जब वो लॉकडाउन से बाहर आए तो ऐसा ना हो कि वो कहीं ना कहीं किसी हादसे का शिकार हो जाए, या उनको लगे कि अरे ये तो हमने कोई बॉडी पोस्चर की वजह से हमें कोई दिक्कत हो गई है। जी देखिए, इसमें क्या है कि कुछ चीजें हम ऐसे देखते हैं बॉडी पोस्चर से रिलेटेड बात, जैसे कि मैं इसी चीज के लिए जाना चाहता हूँ कि मैं बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव चीजें बताता हूँ जो इजीली फॉलो करी जा सकती हैं। तो अगर हम बॉडी पोस्चर की बात करते हैं तो पूरा पोस्चरल अलाइनमेंट और सिस्टम को समझने के बजाय हमें सिर्फ इतना देखना है कि हम जब बैठे हैं अपनी चेयर पे, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैं अपनी चेयर पे इस समय बैठा हुआ हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे ध्यान रखना है कि एकदम इरेक्ट होकर बैठने की जरूरत नहीं है, बस मुझे ध्यान रखना है मैं स्लाउच करके ना बैठू, ऐसे बॉडी को रोल करके ना बैठू पीछे मैं। झुक करके, हाँ, समझ गया मैं। और हमारी जो टेलबोन है, विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारी टेलबोन होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी का आखिरी हिस्सा होता है, वो हिस्सा जो है वो प्रॉपर चेयर से कॉन्टेक्ट में ना आए अगर, तो हमारी स्पाइन काफी हद तक सेफ है। तो जी, मतलब जब आप अभी कह रहे एक हैं बात में ना आए जी, टेलीफोन जो है, तो वो आप जहां बैठे हुए हैं वहां कांटेक्ट में ना आए, जब पीछे जो है वहां कांटेक्ट में ना आए? नहीं, जहां पे भी हम बैठे हैं हमारे टेलबोन जो है हमारी सीट के, जो सीट है जिस सीट पर भी हम बैठे हैं, चाहे हम सोफे पे, दीवान पे, चेयर पे, जहां भी बैठे हैं उसके कांटेक्ट, अगर हम जैसे ही स्लाउच करते हैं तो चेयर टेलबोन नीचे टच करने लग जाती है, तो स्लाउचिंग गलत है। हमें हमेशा अपने टेलबोन को ऊपर रखना है, बाकी अपर बॉडी का इतना ध्यान अगर नहीं भी दे पा रहे तो अलग बात है, सिर्फ टेलबोन का ध्यान रखें कि वो कंप्रेस तो नहीं हो रही है, वो नीचे कॉन्टेक्ट में तो नहीं आ रही है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी और जी कुछ बता रहे थे मैं जी, बताइए। हाँ, इसके अलावा जो हम, जैसे कि आपने अभी डिस्कस करा और ये बात बहुत सही है, मुझे पेशेंट्स बता रहे हैं कंसल्टेशन में कि उनके पास सीटिंग अरेंजमेंट नहीं था होम बेस्ड वर्क करने का, तो वो अपना काउच यूज कर रहे हैं, अपना सोफा यूज कर रहे हैं, कुछ लोग डाइनिंग चेयर को यूज कर रहे हैं जो कि काफी बेटर चीज है, पर सोफा, काउचेस या दीवान पर बैठकर या बेड पे बैठकर जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि अभी लॉकडाउन में आपको बहुत एफिशिएंटली अपनी बॉडी को यूज करना है। और आप जब भी बैठते हैं तो आपकी जो मसल्स होती है, जिसको ग्लूटियस मसल्स कहते हैं, हिप की मसल्स, वो इनएक्टिव हो जाती है क्योंकि वो कंप्रेशन में रहती है, और वो ही मसल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे चाल में, हमारे गेट में,
तो हमें कोशिश करनी है कि उन मसल्स को एक्टिवेट रखने के लिए हम थोड़ा एक्टिव रहें। जी मयंक जी, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि थोड़ा सा जैसे लगातार बैठ करके जो लोग काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, जैसे घंटे दो घंटे बैठते हैं, आप क्या सजेस्ट करते हैं जैसे वर्क फ्रॉम होम के एटमोसफियर में कि थोड़ा पहली चीज तो कि हमें ऑफिस की कॉफी या चाय पे डिपेंडेंट नहीं होना है। आप बीच में उठ के जिसको बटर मिल्क बोलते हैं छाछ उसको पी सकते हैं, बीच बीच में आप फ्रूट इंटेक कर सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, यू शुड फील कंफर्टेबल अबाउट दिस। दूसरा क्या है कि बीच बीच में हर 1-1.5 घंटे में उठे चले फिरे जरूर, पानी जरूर पिए। उसकी और चीज होती है, आप जितना पानी पियेंगे आपको वॉशरूम जाना होगा, उस पानी आपकी चहलकदमी हो जाएगी। तीसरी चीज ये ध्यान में रखनी है हमें कि हम अपनी पूरी बॉडी की स्ट्रेचेस जरूर करते रहे। कोई भी मसल जब किसी एक पोजीशन में रहती है तो धीरे धीरे वो इनएक्टिव होने लग जाती है, वो सोर होने लग जाती है, वहां सोरनेस आने लग जाती है। तो हमें कोशिश करना है अपनी मसल्स को स्ट्रेच करते रहे। तो बिल्कुल। जी ये जो आपने पानी पीने की बात कही है, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पानी भी पीते रहें, और कई लोगों का ये भी कहना है कि आप ज्यादातर जब भी आप घर के अंदर हैं तो बैठे नहीं, खड़े रहें, तो क्या ये सही है आपके हिसाब से? बिल्कुल, मेरे हिसाब से देखिए, नो पोस्चर इज परफेक्ट, देयर शुड बी अ चेंज इन पोस्चर, दैट इज अ परफेक्शन। तो आप सिर्फ बैठे बैठे अगर काम कर रहे हैं तो आई वोंट कॉल इट अ परफेक्ट पोस्चर, बीच में आप खड़े होकर काम करें। पर घरों में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास जनरली कई जगह पर डायनेमिक वर्क स्टेशन होता है, आपका वर्क स्टेशन आपके साथ ऊपर लिफ्ट हो जाता है और आप खड़े होकर काम कर सकते हैं। घर में उस तरह की सुविधा कई बार नहीं होती है, तो आप फिर भी कोशिश करें कि अगर आप किसी चीज के ऊपर रखकर अपने लैपटॉप को थोड़ा उसकी अगर पोजीशन चेंज कर सके फ्रीक्वेंटली। तो मैं इसको आपको एक छोटी सी चीज डेमोन्स्ट्रेट करना चाहता हूँ एक्चुअली, कि जब मैं ऐसे बैठ के काम कर रहा हूँ तो मेरा पोस्चर आइडियल है, और थोड़ी देर बाद क्या होता है जब मैं किसी चीज पे एम्फोसाइज करने लग जाता हूँ, सपोज मेरे पास एक मेल आ गई, धीरे धीरे मेरा नेक जो है वो आगे चला जाता है। तो आप इमेजिन करिए, जी तो आप इमेजिन करिए, क्योंकि हम काम में खो जाते हैं, अगर मैं आपको एक वेट बोलूं कि ऐसे हाथ में उठा के आपको रखना है तो आप ज्यादा समय तक रख सकते हैं, पर अगर मैं आपको बोलूं उसको ऐसे पकड़िए तो आप थोड़ी देर बाद थक जाएंगे। उसी तरीके से जो मेरी नेक की मसल्स है वो बहुत छोटी है, वो मेरे हेड के वेट को बैलेंस करने के लिए बनी है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए। पर अगर मैं उस अपने सिर को आगे कर देता हूँ तो मेरे नेक की मसल्स को उनको उसको वापस पुल करने में ताकत लगानी पड़ रही है। तो मुझे चाहिए कि मैं अपने हेड को बॉडी के ऊपर पोजिशन करके रखूँ, जिससे मेरी नेक की मसल्स को कम करना पड़े। जी, मैं जी, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो योगासन लोग सजेस्ट कर रहे हैं, और योगासन में ये कहा जा रहा है कि जो पीछे के जितने भी आसन हैं, पीछे के घुटने के जितने भी आसन हैं, वो करने की सलाह दी जा रही है। आप एज ए ऑस्टियोपैथ, आप एज ए फिजियोथेरेपिस्ट, आप कैसे देखते हैं उसको? देखिए, जो पीछे के आसन जिनको बोलते हैं उनको बोलते हैं बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस, जिसमें काफी पॉपुलर है एक भुजंग आसन, कोबरा पोज जिसको लोग करते हैं। पर यहाँ पर क्या है कि अगर हम हर समय उसी पोजीशन में बैठे हैं, जो सिटिंग जॉब करते हैं बेसिकली वो लंबर एक्सटेंशन में रहते हैं, मतलब उनकी जो कमर की जो लोअर मसल्स हैं, लोअर बैक का जो एरिया है वो हमेशा सीधा ही रहता है। तो पोस्चर अच्छे पोस्चर की है, रिलैक्सेशन की है कि जिस पोस्चर को आपने मेंटेन कर रखा है उसको थोड़े थोड़े टाइम बाद रिवर्स करते रहे। तो उस केस में फ्लेक्शन बायस्ड एक्टिविटीज, फ्लेक्शन वाली एक्टिविटीज हमें ज्यादा करनी चाहिए। तो कोबरा पोज या भुजंग आसन जो होता है वो हमारी कमर की मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत अच्छा है, उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी कमर की मसल्स की। पर जब आपको रिलैक्स करना है, कुछ समय ब्रेक लेना है, तो मैं एडवाइस करूंगा जब आप ब्रेक लेकर रेस्ट कर रहे हैं ड्यूरिंग योर वर्क, तो आप सीधा लेटें और हो सके तो दो तकिए रखकर उसके ऊपर अपने पैरों को रखकर तब लेटें, उससे आपकी कमर के ऊपर जो स्ट्रेस पड़ा था थोड़ी देर में वो कम हो जाएगा। ओके, बिल्कुल। जी मैं जी, घर के अंदर अभी जैसे बच्चे हैं, तो बच्चे भी स्कूल नहीं जा रहे हैं। वैसे तो 2 महीने की छुट्टियां होती थी तो बच्चे एंजॉय करते थे, लेकिन वो एक अलग तरीके की बात थी कि उसमें बच्चे बाजार भी चले जाते थे, बच्चे घूमने भी चले जाते थे, गाड़ी में भी चले जाते थे, कुछ खाना भी खा के आ जाते थे। लेकिन अभी जो उनका मूवमेंट है वो पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्टेड हो गया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम द किड्स आर बिजी इन देयर टैबलेट मोबाइल, इस सब पे बिजी है। तो उनके जी साथ में भी
कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं शुरू हो सकती हैं। आपको भी शायद ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही होंगी बच्चों की। बिल्कुल बिल्कुल, ये प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं और ये बड़ा अलार्मिंग है कि बच्चों को जिनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी आज उनको वो सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो जबकि हम मानते हैं बोन एंड ज्वाइंट की परेशानी अरे बच्चों को खत्म होती है, तो हमें क्या करना है कि हम लोग एक स्ट्रेचिंग बेसिक स्ट्रेचेस प्रोग्राम है जो कि हमें घर में सबको फॉलो कराना चाहिए, जिसमें कि आपके नेक के स्ट्रेचेस आते हैं, आपके नेक की मसल्स जो हैं, और ये बिल्कुल सिंपल है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप नेक से क्या क्या मूवमेंट करते हैं। तो सपोज आप राइट देखते हैं, लेफ्ट देखते हैं, और साइड में बेंड करते हैं अपने नेक को दोनों तरफ और ऊपर नीचे, बेसिकली यही मूवमेंट्स हम करते हैं। तो आपको उन्हीं मूवमेंट्स को कर और उसको थोड़ा सा बढ़ाना है, थोड़ा स्ट्रेच करना है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बोलता हूँ कि हम सीधे बैठे और कोशिश करें कि मिरर के सामने ही इसको करें जिससे कि आप अपना पोस्चर देख पाए। हमने सीधे बैठे हम और हमने क्या करा, हेड को एक साइड टिल्ट करा, अब हमें यहाँ पर स्ट्रेच आना फील हो जाएगा। अब हमें दूसरे हाथ से उस चीज को और ज्यादा स्ट्रेच करना है, मतलब अपने हाथ को हमें यहां नहीं रखना है वरना हम उस पर ताकत लगाने लग जाएंगे। हमें क्या करना है, कान के पास उस हाथ को रखना है और उसको नीचे जाने देना है नेचुरली। तो हम फील करेंगे कि यहाँ पर हमें एक स्ट्रेच आ रहा है। तो आप सब लोग मेरे साथ कर सकते हैं, इस स्ट्रेच को हमें 20 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। 20 सेकेंड होल्ड करेंगे, उसके बाद दूसरी साइड, फिर उसको थोड़ी देर होल्ड करेंगे, इसी तरीके से आप साइड में टर्न करेंगे और अपने हाथों से पुश करेंगे उसको इसी तरीके से दूसरी तरफ। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे और उसको भी फर्दर पुश करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारी नेक की मसल्स ओपन अप हो जाएंगी, और बच्चों को जब वीडियो देखने को मिल रहा है तो उसके बदले वो इतना एक्सरसाइजेस तो करेंगे अगर आप उनको बोलेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, अब उम्मीद करते हैं कि बच्चों को भी कराएंगे माता पिता जो भी अगर देख रहे हैं तो। मैं जी घर के अंदर वैसे तो बुजुर्ग लोग जो हैं वो पहले भी ज्यादातर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो घर में रहते हैं, लेकिन पहले उनका जैसे थोड़ा सा व्यायाम के लिए भी चले जाते थे, पार्क में चले गए, वहां बॉडी पे इफेक्ट आना बड़ी जल्दी शुरू हो जाता है। तो हमें चाहिए कि हम लोग जब अपने घर में हैं तो अपने बुजुर्गों को और ज्यादा टाइम दें, बेसिकली और ज्यादा उनसे बात करेंगे तो होगा एक पहलू इसका। उसके अलावा क्या है कि जब वो चलते फिरते थे, ज्यादातर मैं देखता हूँ कि जितने भी सीनियर सिटीजन हैं पार्क में बैठ के कुछ योगा करते थे, कुछ क्लैपिंग करते थे, कुछ स्ट्रेचेस किया करते थे, तो उनको बिल्कुल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस बोला जाता है, आरओएम एक्सरसाइजेस। वो अपने घर पे बैठ के भी वो आरओएम एक्सरसाइजेस जरूर करें। तो आरओएम एक्सरसाइजेस की जब हम बात करते हैं तो रिवर्स साइकिलिंग सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेड पे लेटना है और हवा में साइकिल चलानी है, हवा में साइकिल चलानी है, और उसमें ही वो पूरी रेंज यूज करें। जैसे एक होता है सिर्फ छोटे सर्कल बनाना, वो काफी बड़े सर्कल बनाकर अगर साइकिलिंग करते हैं बेड पर लेटकर, इस तरह की एक्सरसाइजेस करते हैं, पोस्टरल स्ट्रेचेस करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं जो उनका बैक की जो एक्सरसाइज है वो भी होगी और पैरों की भी एक्सरसाइज जो है चलने फिरने की भी। एक तरह बिल्कुल से, हाँ एक तरह से वॉकिंग को हम रिप्रोड्यूस या रिप्लेस कर पाएंगे इन सब चीजों से। बहन जी, क्यों जरूरी है ये? क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा एहसास हो रहा है कि जैसे अगर ये नहीं करेंगे बुजुर्ग तो हो सकता है कि जब वो क्वारंटाइन लॉकडाउन के बाद अगर निकलेंगे बाहर तो हो सकता है कि चलने फिरने में उनको दिक्कत आ सकती है। बिल्कुल, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी गाड़ी आज पार्क है, वो काफी समय तक अगर पार्क रहती है तो जिन लोगों ने करा है जो बाहर चले जाते हैं गाड़ी छोड़कर, उन्होंने देखा होगा कि टायर्स जो होते हैं वो क्रैक हो जाते हैं, वहां से धीरे धीरे उनकी हवा निकल जाती है, टायर्स क्रैक हो जाते हैं। थोड़ा अजीब एग्जाम्पल लगता है पर काफी रेलेवेंट एग्जाम्पल है। उसी तरीके से हमारे जोड़, जब उनकी पूरी रेंज ऑफ मोशन को हम यूटिलाइज नहीं करते, जो उनकी पूरी रेंज है, तो क्या होता है, उन जोड़ों के बीच में कार्टिलेज होती है जो कि एक कुशन का काम करती है। वो कार्टिलेज जो होती है वो उसको जो न्यूट्रिशन मिलता है, जो उसको पोषण मिलता है, वो मूवमेंट से ही मिलता है। जितना उसका मूवमेंट होता है, तो स्पंज की तरह है, तो जैसे स्पंज को हम जितनी बार दबाएंगे उसके अंदर पानी आएगा, उसी तरीके से उनमें भी जॉइंट फ्लूइड, सिनोवियल फ्लूइड सर्कुलेट होता है मूवमेंट से। तो अगर वो मूवमेंट्स नहीं करेंगे तो उन कार्टिलेजेस को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा और उनकी कार्टिलेज धीरे धीरे हार्ड होने लग जाएंगी। और जब लॉकडाउन के बाद दोबारा से चलना फिरना वो शुरू करेंगे, क्योंकि हर कोई बेचैन होगा तुरंत अपने योगा साइकिलिंग दिस एंड दैट सब करने में, तो जब वो वापस जाएंगे अपने लाइफस्टाइल में तो उनको जोड़ों का दर्द, तकलीफें सब शुरू हो जाएंगी। तो जी हमें चाहिए कि बिल्कुल जब हमारी हमारी बॉडी जब हमारी बॉडी भी पार्क है तो हम उसकी मेंटेनेंस का पूरा ध्यान रखें। जी, हो सकता है कि बाद में जो है वो बोन फ्रैक्चर और बॉडी रप्चर कुछ इस तरह की भी चीजें शायद मेरे ख्याल से निकल करके आए।
एग्जैक्टली, देखिए बोन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो बोन डेंसिटी को रिस्टोर करने का या मेंटेन रखने का सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम बोन्स की लोडिंग करें। लोडिंग मतलब अगर मैं एक वेट को अपने हाथ से बार बार उठाता हूँ तो सिर्फ मेरी मसल्स ही स्ट्रांग नहीं होती है, मेरी हड्डियों में भी ज्यादा ऑस्टिफाइट्स बनते हैं और ज्यादा स्ट्रेंथ आती है, तो इसलिए भी ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं अगर बिल्कुल हम यंगस्टर्स जी और अगर हम यंगस्टर्स की बात करते हैं तो हमारी मसल्स की सबकी मसल्स में बेसिकली क्या होता है, दो तरह के फाइबर्स होते हैं, Type 1 फाइबर्स और Type 2 फाइबर्स। तो धीरे धीरे क्या होता है, फाइबर्स ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाते हैं। हमारी बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि अगर आप आराम चाहते हैं तो जो मसल्स के फाइबर ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं बॉडी उसको रिप्लेस कर देती है कि आपको आराम की जरूरत है, आप आराम करो। इसीलिए देखिए डिफरेंस होता है एक वेट लिफ्टर की बॉडी में और पीटी उषा की बॉडी में, डिफरेंस है। दोनों ही अपने पीक पर होते हैं पर दोनों में डिफरेंस है, उनको रनिंग ज्यादा करनी है, एजिलिटी ज्यादा चाहिए तो उनकी बॉडी के फाइबर्स उस तरह के ज्यादा होते हैं। वेट लिफ्टर को सिर्फ एक वेट को उठाना है, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, उसके फाइबर्स उस तरीके के होते हैं। जी बहन जी, आप बहुत सारे जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ में भी आप जुड़े हुए हैं और उनका उनकी बॉडी का भी रख रखाव, उनको जो सजेशंस है वो आप देते रहते हैं। आप जब किसी पेशेंट को देखते हैं तो आप सबसे पहले क्या चेक करते हैं और किस तरीके से किसी भी बॉडी को आप उसकी शेप में लाते हैं, आपका क्या है तरीका काम करने का? अच्छा देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग है। हम लोग बॉडी को जैसे मैंने बोला वी सी द बॉडी एज अ होल, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर की तरह देखते हैं। तो कोई हमारे पास बैक पेन या नी पेन या एंकल पेन कुछ भी लेकर आता है तो हमें उसका ओवरऑल असेसमेंट करना होता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू ऑस्टियोपैथिक आइडियोलॉजी बॉडी वर्क्स ऑन अ बायोटेंसिग्रिटी मॉडल। ओके इसको आसान शब्दों में अगर हम समझना चाहें तो हमने देखा शादियों में टेंट लगते हैं तो अलग अलग पोल गाड़े जाते हैं, उसके ऊपर कपड़ा को टाइट करने के लिए रस्सियां बांधी जाती हैं, अगर एक रस्सी लूज हो गई तो टेंट दूसरी तरफ से भी इफेक्टेड हो जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी का टेंशन, स्केलेटन बिल्कुल कुछ भी नहीं है अपने आप में, मसल जिस तरीके से उसको होल्ड करके रखी हुई है वैसे वो काम करता है। तो अगर एक मसल में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो प्रॉब्लम लोकलाइज नहीं होती, वो पूरी चेन को इफेक्ट करती है। तो जब हम ऑस्टियोपैथिक तरीके से पेशेंट को असेस करते हैं, किसी क्लाइंट को असेस करते हैं, तो हम टिप टू टो असेसमेंट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं उनका, अगर किसी ने बोला वॉकिंग में पेन है, खड़े होने में पेन है, तो खड़े होने में या वॉकिंग में आपका फीट, आपके जो फीट हैं वो सबसे पहली चीज है जो कि ग्राउंड से कांटेक्ट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फुट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, फ्लैट टो होती है, किसी को फ्लैट फीट होता है, किसी की पिजन टो होती है जो कि अंदर की तरफ होता है, किसी की आर्च रेज्ड होती है बहुत ज्यादा। सेकेंडली हम जाते हैं घुटनों के ऊपर कि घुटने क्या अंदर की तरफ बेंड है या घुटने बाहर की तरफ ज्यादा बेंड हो रहे हैं। तो कई बार इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलते हैं कि पेशेंट बोलता है कि मुझे बैक पेन है और मैं कई जगह इलाज करा चुका हूँ 7-8 साल से, और आप भी मुझे 15 दिन का फिजियोथेरेपी कर दीजिए बस और मैं चल जाऊंगा फिर 2-3 महीने। पर जब हम उन्हें 15 दिन के सिर्फ 5 दिन उनके सिर्फ फीट को करेक्ट करते हैं, सिर्फ एंकल को करेक्ट करते हैं, उनका बैक पेन चला जाता है। तो इस बिल्कुल तरीके का हमारा काम करने का तरीका है। बहन जी, एक सवाल भी आ रहा है कि हमारे साथ मानस भी जुड़ चुके हैं, तो मानस जी कह रहे हैं कि कंपनी में आजकल काम बहुत ज्यादा है और एक ही जगह बैठने से बैक साइड जो दर्द है वो बढ़ जाता है, तो कुछ इस बारे में उपाय बताया जाए। जी देखिए बहुत सही बात पूछी है मानस जी ने। अभी क्या हो रहा है, इतनी अवेलेबिलिटी है वर्क फ्रॉम होम के नाम पर, इतनी अवेलेबिलिटी है टाइम की कि लोग ओवर बर्डन भी हो रहे हैं, और कंपनीज कुछ कंपनीज के एचआर ये भी रिपोर्ट कर रहे हैं कि उनको 110-120% एफिशिएंसी मिल रही है। तो स्वाभाविकता स्वाभाविकता हम खुशी खुशी में काम तो कर रहे हैं घर पे बैठ के कि चलो कंफर्टेबल है, पर हम ओवरलोड कर दे रहे हैं अपनी बॉडी को और हमें पता भी नहीं चल पा रहा है। उस केस में हमें क्या करना है, जैसे कि अभी हमने जिक्र करा सिलेक्टिव पोस्चरल चेंजिंग, हर 1-1.5 घंटे बाद हम पोस्चर को चेंज करें, ब्रेक्स लें। दूसरा हमें क्या करना है, जिस भी पोस्चर को हम यूज कर रहे हैं उसको रिवर्स करें। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने कंप्यूटर पर बैठ के काम कर रहा हूँ, अब लैपटॉप पे करते हैं लैपटॉप का कीबोर्ड और छोटा होता है, फोन पे करते हैं तो और पास में कीबोर्ड होता है, तो आप देखिए आपके शोल्डर जो है वो धीरे 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 पास आते चले जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम शोल्डर्स को वापस से एक्सपैंड करें, तो जो कि हम आमतौर तो पर करते भी हैं पर हमें पता नहीं क्यों करते हैं, हम हाथ ऐसे रखकर और ऐसे रिलैक्स करने लग जाते हैं, करते हैं ऐसे ऑफिस। तो हमें इसमें एक ऑब्जेक्टिव लेके करेंगे तो हम इसी चीज का और फायदा ले पाएंगे। हमें बेसिकली ये जो मसल्स हैं जो हमारे चेस्ट तक जाती है, पेक्टोरल मसल्स, इनको स्ट्रेच करना है, तो वो सिर्फ इतना करने से बात नहीं बनती, उसमें आप इसको करके और पीछे की तरफ खींचे या फिर किसी वॉल के साथ में अपने हाथ को लगाकर खड़े हो जाएं और अपनी बॉडी को आगे लेकर जाएं, जबकि आपका हाथ बाहर है तो आप देखेंगे कि यहाँ पूरा एक स्ट्रेच आ रहा है आपको, ये स्ट्रेच जो है कि आपके शोल्डर्स पे इफेक्ट करेगा।
साथ ही हमें ये देखना है कि दूसरा लोडिंग क्या कर रहे हैं, वही नेक की जैसे मैंने बताया, तो नेक को वापस से न्यूट्रल कर दें, उसके स्ट्रेचेस करें, और चिन टक एक पोजीशन होती है जिसमें कि हम ऐसे करके और अपनी चिन को पीछे लेकर आते हैं, तो हमें इस एरिया में काफी पेन फील होता है इससे, क्योंकि ये मसल बहुत टाइट हो चुकी होती है। ये चिन टक पोजिशन बीच बीच में हम कर सकते हैं, 20 सेकंड के लिए होल्ड करिए, 20 से 25 सेकंड, 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिए। आप देखेंगे कि आप काम करके जब उठेंगे तो आप बिल्कुल फिट और एक्टिव होंगे। और उसी बिल्कुल तरीके से जी, उसी तरीके से जब आप बायो ब्रेक लेते हैं, अपना लंच ब्रेक लेते हैं, तो सीधे लेटकर अपने पैरों को 2-3 तकियों के ऊपर रखकर थोड़ा एलिवेटेड रखें, उससे आपकी बैक जो है वापस से न्यूट्रल स्पाइन में आ जाएगी, आपकी स्पाइन न्यूट्रल हो जाएगी और आपके बैक पेन में भी रिलीफ मिल जाएगा। ओके okay. आप जो कह रहे हैं कि जो पैरों के नीचे जो पिलो को लेना है तो वो काफ मसल पे लेना है या जो आपकी जो हड्डी होती है वहां पर रखना है? उसमें क्या करना है आपको, जो पिलो सपोज करिए आपने 3 पिलो रखे और आप सीधे लेट गए, फेस अप करके बेड पे लेट गए, और आपकी पूरी जो काफ, सपोज ये काफ मसल है, उसके पूरे के नीचे आपके वो पिलोज आने चाहिए, मतलब आपको 90-90 पोजीशन में लेटना है ओके okay. जी। 90 पोजीशन उससे में आप लेटना है जी, क्योंकि आप देखेंगे जब आप लेटेंगे तो आप फील करते हैं कि आपकी जो लोअर बैक है वो हमेशा हवा में रहती है, कर्व रहती है, तो हमें बेसिकली उसको ही फ्लैट करना है। जैसे ही आप पैर उठा के ऐसे रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बैक फ्लैट हो गई है, और वो तुरंत आपके बॉडी पोस्चर को रिस्टोर कर देगी, वहां पे न्यूट्रिशनल सारी चीजों को रिस्टोर कर देगी और आपकी बैक एकदम रिलैक्स हो जाएगी। जी बिल्कुल। मैं भी कुछ खाने पीने का भी कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता है, आप कुछ ऐसा सजेस्ट करते हैं जब आप अपने पेशेंट्स को देखते हैं तो? हाँ देखिए, ऑस्टियोपैथी का मतलब है होलिस्टिक वेलनेस, कंप्लीट वेलनेस, तो सिर्फ बॉडी मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम पे ध्यान नहीं देते हम, उनके ऑर्गन्स और इंटरनल जो विसरा है उनके ऊपर भी फोकस करते हैं विसरल ऑस्टियोपैथी के थ्रू। अब इसमें जब हम खाने पीने की बात करते हैं तो इस समय क्योंकि डिमांड कम है तो सप्लाई भी कम होनी चाहिए, जब हम बॉडी से ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे तो हमें बॉडी को सप्लाई भी कम करना है, वरना क्या होगा, वो स्टॉकिंग शुरू कर देगी बॉडी, मतलब फैट की तरह वो स्टोर होना शुरू हो जाएगा, पहली चीज ये। दूसरा क्या है कि अभी हमें सबसे एक इकलौती दवाई जो काम कर रही है कोरोना वायरस के अगेंस्ट, दैट इज आवर ओन इम्यूनिटी, है ना, तो हमें अपनी इम्यूनिटी को हर समय स्ट्रांग रखना है, और इम्यूनिटी स्टार्ट फ्रॉम योर गट्स। आपकी इंटेस्टाइन में जितने ज्यादा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितना ज्यादा फ्री और फ्रेश है उतनी ज्यादा आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। तो हमें खाने पीने में ये ध्यान रखना है कि हम शुगर का इंटेक बिल्कुल ना करें या बहुत कम करें, हम फैट्स का इंटेक ना करें, क्योंकि अगेन फिर उसी थ्योरी पे जाते हैं तो वायरस इज नथिंग बट मतलब वायरस जो है वो लिपिड की कवरिंग होती है, उसके ऊपर फैट की कवरिंग होती है, तो हमें उसको बिल्कुल भी फ्यूल नहीं करना है, मतलब हमें फैट नहीं देने अपनी बॉडी को। दूसरा हमें क्या करना है कि ग्लूकोज का इंटेक, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक भी कम रखें, बहुत ज्यादा ना रखें, जिससे कि अननेसेसरी फैट डिपोजिशन ना हो बॉडी में। पानी पीते रहें, पानी में गर्म पानी में नींबू डालकर कुछ कुछ समय बाद उसको पीते रहें, कॉफी चाय इस तरह के लिक्विड्स लेते रहें, फ्रूट जूसेस जो है, जो सिट्रस फ्रूट्स के जूसेस हैं वो पीते रहें, और जैसे उन्होंने बटर मिल्क एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है, बटर मिल्क लेते रहें, उससे आपकी बॉडी की अल्कलाइन कैपेसिटी भी बनी रहती है। इस तरीके की चीजें है वो डाइट में हमें ध्यान रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी एक ये भी सवाल दिमाग में आ रहा है कि जो जैसे मील है, सुबह लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, दिन में लंच करते हैं और शाम को डिनर करते हैं, तो डिनर का जो है कई बार कहा जाता है कि भाई कुछ लोग कहते हैं कि डिनर को स्किप कर दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत कम खा लीजिए, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि क्या करना चाहिए? देखिए, डिनर को हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए, इनफैक्ट हमारी बॉडी को जिन जिन मील्स की आदत है उनको हमें कभी स्किप नहीं करना चाहिए, और अगर बॉडी को किसी टाइम की आदत नहीं है तो हमें बॉडी की आदत बनानी चाहिए। सपोज मैं अगर एक इसमें अगर एक और चीज थोड़ा सा डिटेल में समझाना चाहूंगा, जैसे मैं अगर रोज 1 बजे खाना खा लेता हूँ तो मेरी बॉडी को पता है कि 1 बजे खाना मिलना है और 12 बजे मेरे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है वो वहां पर आना शुरू कर देते हैं। पर अगर मैं 1 बजे की जगह 2 बजे और 2:30 बजे और 3 बजे कर देता हूँ, कल मैं 3:30 बजे खाता हूँ, परसों मैं 4 बजे खाता हूँ, तो बॉडी जो अंदर एक आत्मा बैठी हुई है हमारी, जो हमारी बॉडी को गवर्न कर रही है, वो सोचती है कि भाई पता नहीं आज कल इसने 2:30 बजे खाया था, आज क्या पता 3:30 बजे खाए, और परसों क्या पता मिले ही ना, तो जब ये खाना देगा हमें तो हमें खूब सारा पहले तो स्टोर करके रखना है। तो देयर देयर बिगिंस द स्टोरेज, फैट स्टोरेज साइकिल, बॉडी एकदम अडेप्ट करके फैट को स्टोर करना शुरू कर देती है। तो इसलिए टाइम का बहुत इंपॉर्टेंस है, इफ यू आर ईटिंग योर टेकिंग योर लंच एट 1, यू शुड टेक एट 1, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या है, जिससे कि फैट स्टोरेज की टेंडेंसी ना बने, दूसरा हमें क्या करना है कि जो डिनर है उसको कभी भी स्किप ना करें, क्योंकि रात में आपकी बॉडी रीसेट हो रही होती है, जैसे हम हमारा फोन या हमारा लैपटॉप जब हैंग हो जाता है तो हम उसको शट डाउन करते हैं,
वो रीसेट हो जाता है, उसके बाद हम फिर ऑन कर लेते हैं। सिमिलरली रात को हमारी बॉडी है वो रीसेट हो रही होती है, तो रीसेट करने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। आप देखेंगे कि फोन बिल्कुल डेड हो गया और आप उसको चार्ज करना चाह रहे हैं बैटरी से, तो वो दोबारा चार्ज नहीं होता। सिमिलरली क्योंकि उसको रिस्टोर करने की ताकत नहीं मिल पाई, तो हमें डिनर स्किप नहीं करना है, पर डिनर को हमें माइल्ड डिनर करना है। कुछ लोग अगर कर सकते हैं तो मूंग की दाल जैसी कोई दाल जो होती है, हल्की सी पानी जैसी वो दाल लिक्विड, वो पिए, वो पीकर सो जाएं, या फिर वो मूंग की दाल के चीले खाकर सो सकते हैं, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा फूड लें जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम हो, क्योंकि हमें बहुत सीमित एनर्जी की जरूरत है। पर स्किप करके ना सोएं, एम्प्टी स्टमक ना सोएं कभी भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं जी हमारे साथ, मुझे ऐसा लग रहा है स्क्रीन पे दिख रहा है कि एक हमारी मित्र ईरान से भी जुड़ी हैं, मरियम हमारे साथ जुड़ी हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट फीमेल्स, यू नो, एज फार एज द फीमेल्स आर कंसर्न, सो दे आर ऑल्सो इन अ पोजिशन बिकॉज दे हैव टू डू लॉट ऑफ वर्क, यू नो, एट होम दीज डेज, सो हाउ दे कैन, यू नो, कीप देमसेल्फ फ्री, यू नो, फिट। Right. See, initially the females, they had to just focus on, if I talk about females who are taking care of the home, so they are at the bigger job responsibility. So initially also they were doing a lot of stuff, cooking food in their homes, and, you know, cleaning the stuff and all. But these days what they have to do, they have additional responsibility of preparing the food as per the taste, as per the health. And, you know, there are different demands also. So, if we talk about, and they also have to maintain the hygiene or the cleanliness of the home more compared to earlier times. So, the major problem that they are facing, which I am coming, I mean, which I am get them, I am getting queries about it, that they are feeling elbow pains. I don't know for what reason, pain in elbow, pain in forearms, and moreover, when they get a time to relax after getting such a tired day. So they get a lot of problem in their back again, back and shoulders. See, as far as the back pain is concerned, so they are having a back pain, and most of the females are complaining about the calf muscle pain. So what is the reason exactly that this calf muscle pain, you know, what is the reason why it happens actually? Because, you know, most of the time the female don't get this info. So calf muscle is because you are on the toes all the day. And, you know, calf muscle, they are called the second heart of the body. Because our heart is here and blood goes from heart to every part of the body, and then it comes back through the veins, the impure blood, it comes back to the heart back. Now our feet, they are quite far from our heart, so how the blood can come back to the heart, the calf muscle squeezes the veins so that the blood can be pumped up to the heart level. So calf muscles are also known as second heart of the body. So when you stand for a longer duration, like females in our scenarios, home scenarios, they are mostly on their toes, managing things, worrying, and, you know, taking care of everything and stuff. So calf pain, that way it is now more prevalent in females. So they have to keep munching their calf, which we call simply, you know, munching the calf, pressing it. And they can also do, while they are standing, they can do a simple activity like they have to come on their toes and back. We call it heel raises, calf raises. Okay, so So this is a when, small exercise just to keep, you know, doing this. yes, so if they are cooking, if they are doing anything, they can just do these, you know, calf raises. Just stand on their toes and come back, stand on their toes and come back. So if they can do it 25 to 30 times a day, you know, 3 times a day, but 25 repetitions in a time, so it will definitely help them overcome this calf issue. Because the calf muscle will squeeze and it will pump up the venous circulation. Okay. And they should drink a lot of water also, I believe. Yes, water intake, again, it's key. It's for everyone, it's very important. And especially females, because they are the homemakers, they are, you know, making sure that everyone is drinking water, whether they ask for it or not. You are serving water to them after every 2 hours. So definitely water intake is the key, because our muscles, our body is mostly water. So we have to restore. And another thing is this, that earlier when we used to go out, we used to feel the you know, hot and everything. We used to realize that, okay, summers have come now. But now when we are confined in our homes, we are not realizing that it is already, you know, a summer month has started. So we have to keep in mind that water intake has to be increased now. Great. There's one more question, Vayang ji, what should be the right
बॉडी पोस्चर यू नो एज फार एज व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग व्हेन यू गो टू स्लीप बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो व्हाट इज द बेस्ट पोस्चर. Right. So when we talk about sleeping, sir, again, because we spend 12 hours while awake and 12 hours while we are asleep. So almost many of us take a 7 hours or 8 hours of sleep, but we can divide into two when we talk about the circadian rhythm. So while we are sleeping, our body is relaxing. We have to make sure that the blood reaches every part of the body and every part of the body is relaxed. But when we think about sleeping, we think, okay, if I'm going to feel asleep, I'm just going to lie down and I'll fall asleep. But no, it is very important that we keep our posture intact and aligned while we sleep. So the key is, most of us, I'll start with the sideline posture because most of us lie on our sides while we sleep. So we have to keep in mind that this area, how much broad is our shoulder, this area should be covered with a pillow. So when we sleep like this or we sleep like this, what happens? Our neck is continuously to one side and it causes a lot of stress. Compression stress this side and stressful stress on this side. So what we have to do, we have to use a comfortable pillow. We can use a simple down feather pillow we can use, or we can use a very soft pillow. And under that pillow, we have to use a towel which is folded, not rolled, but folded. So you have to cover this much distance because your pillow, it covers just this much area. Rest of the area should be covered with a hard thing. Okay. So the area which is in our contact should be soft, and the area which is under the soft structure should be hard. So we have to use a simple pillow. Then between our both the knees, again, there should be a pillow which should cover our knee as well as our ankles. So if we lie down like this, our spine will be relaxed. So this is ideal posture to sleep. And if we sleep on our back, I mean facing up, then again the selection of pillow is very important. We have to again use a very soft pillow which covers our entire neck. But what we do, we use a good pillow, we call it memory foam, we call it hi-fi pillows, and we use that pillow and our neck is bent. So this is not ideal. Ideally, you lie down on a mat just to test yourself. You lie down on a mat on the floor, then you see how much is the area here which is not contacting the mat, and use that much thickness of pillow, and it should cover this area. So that is the key. Yes. गॉट So इट. that is बिकॉज the key. बिकॉज जितना जो कवर हो जाए यहाँ तक, जितनी जो जगह है उतना ही पतला पिलो जो है, आई थिंक यू शुड यूज दैट. बिल्कुल. और अगर आप एकदम पतला पिलो यूज करते हैं, जैसे बहुत सारे लोग पतला पिलो यूज करते हैं, तो आपको क्या करना है, उस पिलो को थोड़ा समेट कर और इस एरिया को फिल कर दीजिए बस. और पिलो की जो दूसरी, अभी मेरे पास मैं दिखा सकता था पर है नहीं, उसके दोनों एजेस को पकड़ के ऐसे खींच सकते हैं आगे, जिससे आपका नेक पूरा सपोर्टेड हो जाए उससे, जैसे कि हम ट्रेवल पिलो यूज करते हैं कुछ उस तरीके से. तो वो आपके नेक को रात भर रिलैक्स रखेगा. जी बिल्कुल. बहन जी, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज आपने दी है. और इसके अलावा और कुछ कहना चाहते हैं आप हमारे दर्शकों से कि अभी चूंकि ये लॉकडाउन जो है वो इतनी आसानी से खुलने वाला नहीं है, बिकॉज इट इज गोइंग टू टेक टाइम. आई थिंक मे बी 1 month, 2 month, यू नेवर नो कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक. सो बिल्कुल सो व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशन आई थिंक दे शुड टेक इट टू कीप देमसेल्फ फिट एंड हेल्थी. देखिए, अभी हमें पता नहीं, जैसा आपने बोला कि लॉकडाउन कब तक एक्सटेंड होगा, हमें नहीं पता. तो अगर 2 या 3 दिन की बात होती है, हम थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो ठीक है, काम चल जाएगा. पर हमें नहीं पता ये कब तक एक्सटेंड होगा, उसके बाद भी कब हमारा लाइफस्टाइल वापस रिस्टोर होगा. हो सकता है लॉकडाउन खुल जाए पर ऑफिसेज फिर भी एम्प्लॉयज को एनकरेज करें कि वो घर से ही काम करें, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड का किसी चीज का खतरा नहीं हो. तो हमें मान के चलना है कि अब हमें इसको एक लाइफस्टाइल बनाना है. हमें मान के चलना है, लिविंग विद दिस कोविड सिचुएशन, वी हैव टू मेक इट अ लाइफस्टाइल. और हमें ध्यान में रखना है कि देर इज अ एनिमी एट द गेट. बाहर हम निकलेंगे तो हमें किसी भी तरह का एक्सपोजर मिल सकता है, मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेस मिल सकता है. तो हमें ध्यान में रखना है कि हमारी बॉडी को हम वेयर एंड टियर से बचाने के लिए उसकी सर्विसिंग करते रहे. तो अगेन, जैसे कि मैंने बोला, मसल्स की लेंथ को रिस्टोर रखने के लिए हमें सारे स्ट्रेचेस करने जरूरी हैं. दूसरा, स्ट्रेंथनिंग के लिए अगर बॉडी वेट एक्सरसाइज के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ पुशअप्स भी अगर आप करते हैं, पुशअप्स और अबडोमिनल क्रंचेस, वो अपने आप में काफी अच्छी एक्सरसाइज, सिर्फ उतना कर लीजिए. ज्यादा नहीं तो 10-10 के रेपिटेशन दिन भर में 3-4 बार कर लीजिए. एटलीस्ट यू शुड कीप द इंजन रनिंग.
और ये चीज बहुत ध्यान रखने की है, हमें अपनी बॉडी को बॉडी इमेज पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि हाउ डू आई लुक, कल मेरी बॉडी कैसे लग रही थी, आज मेरा एक कंधा थोड़ा झुका हुआ लग रहा है, आज मेरे पेट थोड़ा ज्यादा निकला हुआ लग रहा है, और हमें उसको तुरंत के तुरंत कैलिब्रेट करने का और करेक्ट करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल तो मुझे लगता है हम इस तरीके से चलें, पानी वानी खूब पिए, जैसे कि मैंने बताया, पेट को रिलैक्स रखें, शुगर इंटेक कम करें, और छोटी मोटी फिटनेस की चीजें, बॉडी सर्विसिंग की, हम पूरे ग्रुप में बैठे, पूरी फैमिली एक साथ थोड़ा डिस्टेंस पर बैठकर करें इस चीज को, तो आई थिंक विल बी हैप्पी। जी, बिल्कुल बहन जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी अपना ख्याल रखिएगा, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और आपके जो सजेशंस हैं वो निश्चित रूप से हमारे दर्शकों के बहुत काम आएंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आपसे फिर मुलाकात होगी, और हम लगातार आपके साथ जुड़ते रहेंगे, क्योंकि अभी लॉकडाउन के अंदर आपके सजेशंस की बहुत जरूरत पड़ने वाली है हमें। बिल्कुल बिल्कुल, एनी टाइम सर। जी, थैंक यू वेरी मच बहन जी। थैंक यू सर।